चैत्र मास में पड़ने वाला नवरात्र और रामनवमी का हिंदू समाज में काफ़ी महत्व है। कारण कि जहां नवरात्रि में नौ देवियों की पूजा लोग करते हैं, वहीं रामनवमी के दिन हिंदू समाज के प्रत्येक घरों में पूजा किया जाता है। साथ ही साथ देवी मंदिरों में भी लोग मत्था टेकते हैं। ऐसे में आज ही के दिन भगवान राम का जन्म हुआ था, जिसको लेकर जनपद गाजीपुर में आज दर्जनों शोभा यात्रा निकाला गया, जिसमें युवाओं की काफ़ी भीड़ रही और सभी लोग संगीत की धुन पर थिरकते नजर आए। इसका उद्देश्य यही है कि आज रामनवमी के शुभ अवसर पर सभी जनपद के हमारे लोग, युवा साथी सब लोग निकले हैं एक जनता में संदेश देने के लिए कि ये भारत भूमि राम जी की भूमि है और हम राम जी को अपना सर्वश्रेष्ठ भगवान मानते हैं और उनके आज जन्मोत्सव के अवसर पर हम सभी लोग निकले हैं जुलूस लेकर। जी, मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि इंस्टाग्राम, फेसबुक, इन सब से निकलकर मैं अपने युवाओं भाइयों से निवेदन करता हूँ कि सड़कों पर निकलें, भगवा लहराएं, क्योंकि जब भगवा का वो हमारे आंखों में जाता है, जब रंग हमारे आंखों में जाता है, तो हम सारे भगवामय हो जाते हैं और भगवा ही हमें हिंदू राष्ट्र बनाने में मदद करेगा। झूमता जा रहा है, आपने देखी होगी ये रैली 4 किलोमीटर से हमको लगता है लंबी रैली होगी। गाजीपुर के सारे नौजवान सोशल मीडिया छोड़ के सड़क पर थे और ये एक बंधुत्व की भावना गई है सारे युवाओं में और इस ऐसी रैलियों के माध्यम से सारे हिंदू परिवारों में राष्ट्र एकता आता है और बंधुत्व की जो भावना आती है, सारे मिलजुल कर एक साथ पद संचलन करते हैं, चलते हैं, रास्ते पर उतरते हैं अपने धर्म के लिए, तो ये बहुत ही सराहनीय है। हम सब राम को अपना आदर्श मानते हैं। राम जी के जन्मदिन के अवसर पर, रामनवमी के दिन, अपने आदर्श के आस्था में ये जुलूस निकालते हैं।